नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। रुख करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, देवभूमि में अब जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। तो यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट समिति ने सौंप दिया है और अब नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को ये सौंपा गया है। बड़ी खबर आपको बता दी, यानी देवभूमि में अब जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा और इसी के साथ पूरे देश में उत्तराखंड राज्य यूसीसी लागू करने वाला ये राज्य बन जाएगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट समिति ने मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। यानी अब पूरी तरीके से जो रास्ता है वो आसान होता नजर आ रहा है यूसीसी लागू होने से को लेकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 नवंबर तक उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकती है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। देवभूमि में अब जल्दी यूसीसी लागू हो जाएगा, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यूसीसी नियमावली को लेकर। फिलहाल ये अच्छी खबर आ रही है, तो जल्द ही इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। जो जानकारी आ रही है, 9 नवंबर तक उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकती है। फिलहाल जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसके मुताबिक 9 नवंबर तक यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है। ये बड़ी खबर, नियमावली का जो ड्राफ्ट है मुख्यमंत्री को सौंप दिया है कमेटी ने, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब जल्द ही इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। बता दें आपको, तो देवभूमि अब जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा देवभूमि में, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट समिति ने जो सौंपा है मुख्यमंत्री को, उसके बाद अब कैबिनेट में रखा जाएगा इस ड्राफ्ट को और 9 नवंबर तक बताया जा रहा है उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से लालकुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से आज लालकुआं से बांद्रा के मध्य ट्रेन संचालन का सपना पूरा हो गया है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआ से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से जिनका घर है यहाँ आना जाना होता है उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उधर देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों का सम्मान भी किया। बस की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपए की वृद्धि करने का, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपए की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। और 9000 फीट से ऊंचाई पर जो लोग काम करते हैं उनका भी 200 रुपये जो प्रतिदिन का उच्च चिंता भत्ता होता था उसको 300 रुपये करने का लिया है। और समय समय पर हमारे पुलिस अच्छा काम करे और उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के लिए हम पूरी सरकार प्रतिबद्ध होकर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। आज के इस स्मृति दिवस पर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के अंदर और राज्य के अंदर, हमारे 4 पुलिस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी को मैं
नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित। सर, आपसे लाल कुआं और बांद्रा के लिए नई ट्रेन भी मिल गई है, आपने सुबह हरी झंडी दिखा दी है, अब सूरत अहमदाबाद तक का सफर, मुंबई तक का सफर आसान है। देखिए, बहुत दिनों से चूंकि मुंबई से आने वाले लोग और यहाँ से जाने वाले लोग अत्यधिक संख्या में थे और उनको अन्य स्थानों से जाकर रेल पकड़नी पड़ती थी, सफ़र करना पड़ता था, जो उनके लिए काफ़ी कठिन होता था। अब अच्छा होगा कि लालकुआ से बांद्रा एक्सप्रेस के संचालन से जो लोग मुंबई से यहाँ आते हैं अपने घरों को आने के लिए आसान होगा, और साथ ही साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, बाबा कैंची धाम और तराई के क्षेत्र में जो हमारे तराई के भी बहुत सारे लोग इस रूट पर आते हैं, उन सभी को लाभ होने वाला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का इस ट्रेन के संचालन के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। महत्वपूर्ण सवाल है, सड़कों के लिए आपने कहा था कि गंगा मुक्त होगी, अभी कहाँ तक प्रगति पहुँची? नहीं, तेजी से काम हो रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है, क्योंकि बीच में मौसम भी चुनौती के रूप में रहा है। धीरे धीरे जब से बारिश कम हुई है, नमी कम हुई है, तो तेजी से काम हो रहा है, जल्दी पैचवर्क पूरा कर लिया जाएगा। तो उधर सीएम आवास में पिटकुल के ओर से उत्तराखंड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया है। बता दें आपको कि एमडीए पिटकुल पीसी ध्यानी की ओर से सीएम धामी को लाभांश का चेक दिया गया, और इस दौरान आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने को विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनाना होगा। तो वहीं उधर केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिससे कि पहले सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। बता दें आपको कि खासकर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्र दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बना है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, और बीजेपी के दरअसल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर से जीत के दावे को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पिछले चुनाव से अधिक मतों से जीत मिलेगी। दो मंडलों की बैठक मेरा ना हुआ, मुख्य रूप से नामांकन की प्रक्रिया की ओर हम बढ़ रहे हैं। नामांकन भव्य हो, बड़ी संख्या में जन समुदाय नामांकन में उपस्थित रहे, उस दृष्टि से एक रचना बनी है। खासतौर पर बहुत से कार्यकर्ताओं के कुछ ऐसे विषय कि हर बूथ के संदर्भ में चर्चा हुई, बूथ कमेटी ठीक प्रकार से बने उसकी चर्चा हुई, कुछ स्थानों पर बूथ समितियों पुनर्गठन का विषय आया, उसको हमने वहाँ पर सहमति व्यक्त की है। और मैं आज सबको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतने जा रही है। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार जाखन देहरादून में पेयजल की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। बता दें कि योजना 430.20 लाख रुपए की लागत से बनेगी। इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के 4000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही बता दें इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण किया और निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 10 लाख की लागत से 9 किलोमीटर घूमने वाली रेल लाइन का शुभारंभ किया है, क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना सड़क के पानी उठता है बिजली के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति रह नहीं सकता। लोग पानी को तनाव आदि सरकार की बात करता है, और धामी सरकार का संकल्प है कि जिन ग्रामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण होगा। पहले क्या होता था कि पत्थर रख जाते थे, रिबन कट जाते थे, और उसके बाद सरकारें बदली जाती थी, लेकिन आज जिन कामों का हम शिलान्यास कर रहे हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं। और उस लाइन को बिछने के बाद यहाँ की लगभग 7000 आबादी को उसका लाभ मिलेगा। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी लगातार शहर में जनसंवाद से जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस दौरान लोग अलग अलग वार्ड में अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। इसी के चलते आज देहरादून के आजाद कॉलोनी में वार्ड 78 में लोगों ने गंदगी को लेकर नगर निगम की शिकायत की।
उधर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ी पहल की है। अब उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। मदरसों में बच्चे श्लोक और मंत्र पढ़ते दिखाई देंगे। बोर्ड ने इसके औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कासमी का कहना है कि सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद संस्कृत शिक्षकों की भर्ती कर दी जाएगी। हम उत्तराखंड देवभूमि जो अपने स्वभाव और अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, उसका आचरण और उसका जो जो स्वभाव है उसके अनुरूप हम उत्तराखंडवासी होने चाहिए। और ये चीज इसमें कहीं धार्मिक टकराव नहीं है। वो दो लैंग्वेज, दो भाषाएं यानी अरबी और संस्कृत, ये एक दूसरे के पूरक हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को के कौशल विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी इस राज्य के अंदर ऐसे फले फूले जैसे अन्य छात्र और छात्राएं फल फूल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS और IPS बने और मुख्य धारा में जुड़ करके अपने और अपने अपने समाज का और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। उधर राजधानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा कालाडूंगी चौराहे और साथ ही बरेली रोड की तरफ को तोड़ा गया। इस दौरान कालाडूंगी चौराहे के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान शहर कोतवाल राजेश यादव अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे, जहां पर प्रशासन के साथ नोकझोंक कर रहे लोगों को समझाया गया। मंगल पड़ाव के बीच का स्थान है, यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं वो 12 मीटर हम शिफ्ट कर चुके हैं, साथ ही जो नई हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी लग चुके हैं। लेकिन ये बिल्डिंग है, इसको 12 मीटर तक शिफ्ट होना था, कटना था, ये इनको लगभग 3 महीने से समय दे रहे हैं, इन्होंने काम पूरा नहीं किया है और इनकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल्स नए लगे हैं वो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो पुराने पोल भी नहीं हट पा रहे, उसकी वजह से चौड़ीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो अब ये हमने जो समय पर्याप्त दे चुके हैं, आज लोक निर्माण विभाग तय करते इसको हटा रहा है, उसके बाद हमारे जो नए पोल हैं उनमें विद्युत लाइन चालू हो जाएगी, पुराने पोल हट जाएंगे, तो मार्ग चौड़ीकरण का लाभ सभी को मिलेगा। उधर नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में प्रभु श्री राम की लीला के मंचन को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रभु श्री राम की 66वीं अलीला के मंचन भी राम, सीता, लक्ष्मण जैसे पात्रों की भूमिका में बालिकाएं बखूबी रोल निभा रही हैं। बारात में गाजे बाजे के थाप पर बाराती नाचते थिरकते झूम उठे और प्रभु राम के जयकारों से नगर गूंज उठा। रामलीला समिति नगर के द्वारा विगत 65 वर्षों की प्राप्ति, इस समय 66वें वर्षों में रामलीला ने प्रवेश किया है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि समस्त जनमानस के अंदर प्रभु राम के जीवन से सीख लेते हुए उनके चारित्रिक जीवन को अपने जीवन में ढालते हुए एक मर्यादा का जीवन जिए और एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार की भावना से उत्प्रोत होते हुए एक दूसरे का सहयोग करें, यही हमारी सोच है और यही इस संस्कृति का उद्देश्य भी है। मेरा नाम हिमांशी भंडारी है और मैं रामलीला में सीता का पाठ खेल रही हूँ। ये यहाँ नरेंद्र नगर की 66वीं रामलीला है जिसमें सभी मुख्य किरदार लड़कियाँ ही निभा रही हैं और हमारी रामलीला का मैसेज यह है कि सभी को श्री राम जी की तरह संवेदनशील रहना चाहिए। तो आगामी दिवाली के त्योहार को लेकर देश में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी के चलते देहरादून में आयोजित दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में CM पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने दीप प्रज्वलित करके CM का यहां पर जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। समाज के इस दशहरे पर्व दीपावली के महोत्सव में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के अतिथि नेपाल के राजदूत डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी और अभी आपने जिनको सुना
यहाँ देहरादून में लंबे समय तक जो देहरादून के नगर पालिका महापालिका मेयर के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, ऐसे हमारे धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान जी और वीर गोरखा कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री कमल थापा जी, अध्यक्ष आंचलिक फिल्म एसोसिएशन चंद्रवीर गायत्री जी, विशाल थापा जी, सूर्य विक्रम शाही जी, टेकू थापा जी, श्री देवकला दीवान जी, सांस्कृतिक सचिव एवं समस्त हमारे पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में आए हुए, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, सभी हमारे कलाकार बंधु जो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, हमारे सभी गोरखा बटालियन के हमारे सभी सैनिक, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर आप सभी को मैं अपनी ओर से आपके समस्त परिवारजनों को, सभी कुटुंबजनों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही इस पावन अवसर पर जब हम सब इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और जैसा कमल थापा जी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से लगातार यह आयोजन यहाँ पर अनवरत रूप से यहाँ पर आयोजित हो रहा है, आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।